हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग एंड आई होप एजुकेटर अभिनव झा और मैं लेके आ गया हूं, guys, एक वन टू थ्री फोर फाइव फाइव एलिमेंट्स है राइट ओके right? okay, तो अब हमें क्या करना है इसमें द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर वाई जेड हमें एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट बनाना है वाई जेड सच दैट जो आपका वाई सेट हो वो एक्स का सबसेट हो और जो Z सबसेट होगा X का वंस अगेन राइट मतलब Y और Z X के सबसेट हैं जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए तो गाइज मैं इसको एक ब्रेक डाउन करता हूं एक सिंपल से कॉन्सेप्ट में कि हमारे पास एक झोला है हमारे पास एक झोला है X और उस झोले में से हमें बॉल्स को गिराना है दो झोलों में Y और Z में राइट right? कुछ इस प्रकार से मैंने इसको कट डाउन कर दिया इस प्रॉब्लम को राइट right? इसको वाई बोल दिया इसको जेड बोल दिया ओके okay. तो गाइज यहां पे बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं और टू टू दी पावर फाइव आंसर लिख के आ जाते हैं पर गाइज अभी ये देखो कि हर एक एलिमेंट से पूछेंगे भाई क्या करना चाहते हो जिंदगी में राइट वी विल आस्क वन आप क्या करना चाहते हो जिंदगी में तो वन के पास कितने ऑप्शन है एक ऑप्शन तो है भाई ये वाई पे चला जाए एक ऑप्शन है इसके पास कि जेड में चला जाए और एक ऑप्शन है कि भाई एक्स में ही बैठा रहे ना राइट ऐसा किसी ने नहीं बोला कि आपका वाई यूनियन जेड एक्स होना चाहिए मतलब कि सारे बॉल्स जो हैं आपको इन दोनों में फेंकने ही पड़ेंगे ये कंपल्शन नहीं लगाया ये एक्स में भी रह सकता है तो वन के पास कितना ऑप्शन आ गया, गया गाइज थ्री एंड and... टू के पास कितना आ गया, गया, गया गाइज ऑप्शन थ्री अगेन किसी भी जा, किसी में भी जा सकता है तीनों में से एंड मतलब मल्टीप्लाई एंड सो ऑन फाइव के पास भी कितना ऑप्शन है थ्री थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री थ्री टू दावर ऑफ सबसेट्स भी हम लोग ऐसे ही निकालते हैं झोला लेके जाते हैं और पूछते हैं भाई क्या आप हमारे पास आना चाहते हो या वहीं रहना चाहते हो इसीलिए टू टू दावर एन होता है क्योंकि वहां पे दो ऑप्शन होता है पर यहां पे तीन ऑप्शन है हमारे पास राइट एवरी वन Chalo. That is it for today guys. I hope you guys enjoy the session. See you in the next.